पहला क्वेश्चन नंबर एक है, स्क्रीन पे पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी चिकित्सा भूगोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे पूरी तरीके से। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी यमन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तीन नंबर का, यानी सी नंबर, यानी चिकित्सा सुविधा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहना। आज हम लोग को पता चलना चाहिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आज हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया वही मॉडल पेपर को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी चार नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पांच नंबर का डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, छठा नंबर क्वेश्चन है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी छठा नंबर का चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख करके आप जवाब दे सकते हैं अगर जानते हैं तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, क्या बिग इंच संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सात नंबर का ए नंबर, यानी पाइपलाइन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग, नाफ्टा अस्तित्व में आया, तो नाफ्टा अस्तित्व में कब आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर, 1994 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, नौ नंबर क्वेश्चन है, वृहद ट्रक मार्ग गुजरता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौ नंबर का बी नंबर, यानी भूमध्य सागर हिंद महासागर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है, देख पा रहे होंगे अब स्क्रीन पे, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस नंबर का डी नंबर, यानी पिट्सबर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 11 नंबर का सी नंबर, यानी 1961 से 1971 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं, देख पा रहे स्क्रीन पे पूरी तरीके से, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 12 नंबर का सी नंबर, यानी द्रविड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग, इनमें से कौन का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, 14 नंबर क्वेश्चन है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 14 नंबर का डी नंबर, यानी नासिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 15 नंबर का डी नंबर, यानी सूरत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 16 नंबर का ए नंबर, गेहूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग पूरी तरह से, कॉफी उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 17 नंबर का ए नंबर, यानी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग पूरी तरीके से, हरित क्रांति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 18 नंबर का सी नंबर, यानी खाद्यान्न उत्पादन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है, क्या है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का सी नंबर, यानी महानदी बेसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है, क्या है, लैगून और पश जल पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का ए नंबर, यानी केरल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 21 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके पूरी तरह से, देख पा रहे होंगे आप लोग, इनमें से कौन औधात्विक खनिज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सी नंबर, यानी अभ्रक जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर 23 नंबर का बी नंबर, यानी गया राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे पूरी तरह से, क्या है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 24 नंबर का राइट आंसर, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 80%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, यूरेनियम किस कर्म की चट्टानों में पाया जाता है?
तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी गोंडवाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे स्क्रीन पे। इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का डी नंबर यानी चेन्नई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का बी नंबर यानी कोटा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी धनबाद से प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से आ चुकी है, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 29 नंबर का बी नंबर यानी कर्नाटक में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का ए नंबर यानी भुवनेश्वर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से आ चुके हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, तो कब अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का यानी सी नंबर 1991 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या है 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 32 नंबर का सी नंबर यानी कानपुर जो है औद्योगिक जिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का बी नंबर यानी बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, क्या है राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कहाँ से कहाँ गुजरता है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या 34 नंबर का डी नंबर यानी पटना से दरभंगा जो जाती है उसी को राष्ट्रीय महामार्ग 2 कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2001 में सड़कों की सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 35 नंबर का डी नंबर यानी गोवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से 36 नंबर क्वेश्चन, क्या है दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का ए नंबर यानी चेन्नई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 37 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, भारत में प्रमुख पत्थरों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 37 नंबर का बी नंबर यानी 12 भारत की प्रमुख मुख्य पत्थर है यानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 38 नंबर का बी नंबर यानी 1911 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 39 नंबर है, ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 39 नंबर का बी नंबर यानी 1936 ईस्वी में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, क्या कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 40 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी हुगली नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके, इसके बाद हम लोग अंतिम क्वेश्चन को करने वाले हैं, भारत में विशालतम कंटेनर पत्तन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का ए नंबर यानी कांडला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की ओर तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 42 नंबर का डी नंबर यानी अंकलेश्वर। तो इतने बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे आप लोग, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है आपका आंसर दिया हुआ है, तो क्या है दिया हुआ कि उत्तर यानी झारखंड में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यानी उत्तर नंबर एक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है तो देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, क्या दूसरा नंबर प्रश्न दो है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी हैदराबाद, राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पाएंगे आप लोग, तो तीन नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व अधिक है, तो जनघनत्व किस राज्य का अधिक है तो सबसे ज़्यादा, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी बिहार, राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुकी है देख पाएंगे आप लोग, तो क्या है क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो किस प्रकार का नगर है आपका जो है आंसर यहाँ पर आ चुकी है देख पा रहे आप लोग, तो औद्योगिक नगर है, ठीक है राइट आंसर औद्योगिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे आप लोग, तो क्वेश्चन क्या है,
सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो है राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्किप कर लेते हैं, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्या है छठा नंबर का क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छः नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर खाद्यान्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। क्या है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो कौन राज्य है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद आ चुकी है, थोड़ा सा स्किप और कर लेते हैं, तो आज तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे हैं आप लोग, तो 1881 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं देख पा रहे होंगे, दूसरा नंबर है यानी अगला नंबर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। तो क्या जनघनत्व है, देख लेते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,